शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनका लोगों के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। पूर्व सीएम का लोगों से काफी जुड़ाव है, उन्हें मध्य प्रदेश की जनता मामा बुलाती है। इसको लेकर उन्होंने अपने आवास को आम जनता के लिए खोल दिया है और उसे मामा का घर नाम दिया है। आप सबको भी नए साल की शुभकामनाएं। पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और ये रिश्ते पदों के साथ समाप्त भी नहीं होते। और इसलिए जनता अपना परिवार है, भांजे भांजियों से प्यार का रिश्ता है, अपने भाई बहनों से विश्वास का रिश्ता है। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते की डोर कभी टूटेगी नहीं, जब तक सांस रहेगी यथाशक्ति अपने भाई बहन और भांजे भांजियों की सेवा करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो काम देगी वो काम मैं पूरा करता रहूँगा और अपनी जनता जनार्दन की सेवा का यज्ञ भी निरंतर चलता रहेगा। मामा का घर, हमने पूछा कि आपने घर का नाम नहीं, तो मैं तो जहाँ रहूँगा वो मामा ही का घर है, प्यार का घर। और यथाशक्ति मैं अपनी जनता के लिए जो कर पाऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा। सर आपने कहा से कई बार राष्ट्रलग होते वनवास, नहीं वो तो अलग संदर्भ था। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व मुख्यमंत्री के 74 बंगला स्थित शासकीय आवास पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शासकीय आवास B8 पर मामा का घर लिखवाया है। जी हाँ, उनका कहना है कि मैं जहाँ रहूंगा वही मामा का घर होगा, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक करता रहूंगा सेवा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रश्मि जैन, मृदुभाषी, भोपाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।